ये 10वें वर्ष में जो इन्होंने प्रवेश किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और चंद अशार करना चाहती हूँ उनके लिए कि जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें आपकी हो जाती हैं आसान उनकी, और बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, गर्दिश मिटा देती है पहचान उनकी। तो बस मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह अच्छे से अच्छा काम करते रहें पत्रकारिता के क्षेत्र में। और बहुत आज जितने भी शायर हजरात चुने गए हैं वो वाकई एक गर्व के लिए और बहुत खूबसूरत शायरी होने वाली है, और जो इंदौर के लोग हैं वो उनके ज़ौक शौक को मैं जानती हूँ क्योंकि पहले भी दो तीन बार आ चुके हैं, बहुत अच्छे अशआर सुनते हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल होगी। दबंग दुनिया अखबार की तरफ से ये मुशायरा है क्योंकि दबंग दुनिया ने अपने 10 साल अपनी उम्र के पूरे किए हैं। 10 साल कहना मुझे छोटा लगता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज दबंग दुनिया ने अपनी शताब्दी का पहला पड़ाव पार किया है। दबंग दुनिया एक ऐसा अखबार है जिसका अपना विचार है, और ये जैसे जैसे अपने सफ़र में आगे बढ़ेगा इसके विचार और भी ज़्यादा पुख्ता होंगे, मजबूत होंगे। एक और बात सरदस्त कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में दो ही दबंग हैं, एक अखबार की दुनिया में और एक फिल्म की दुनिया में, और ये दोनों ही दबंग इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं किशोर वाधवानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस अखबार को पूरी ईमानदारी और मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया।